नमस्कार, सदयात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पीएससी विजयपुर पर वैक्सीनेशन को लेकर आम जनता हो रही परेशान। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के 96 क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर स्थित है। दिनांक 27 जुलाई 2021 को आसपास के गाँव से अधिक संख्या में पुरुष व महिला वैक्सीन लगवाने के लिए आए हुए थे। वैक्सीनेशन को लेकर अस्पताल की ओर से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। जिस बरामदे में पुरुषों और महिलाओं की लाइन लगी थी, वहां अंधेरा और पंखे भी नहीं थे। सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ और 1 बजते ही वैक्सीनेशन खत्म हो गया। ऐसा कहकर लोगों को वापस करने लगे। जैसे लोगों को पता चला कि वैक्सीन खत्म हो गया, लोग मायूस हो गए। वहीं कुछ लोगों का कहना था, जो परिचित हैं उन्हें वैक्सीन दिया जा रहा है, जबकि हम सबको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना था, 3-4 दिन से हम लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमें वैक्सीनेशन नहीं लगाया जा रहा है। वहीं प्रभारी चिकित्सा प्रभारी बीके भारती से पूछा गया तो यह बताएं, कम मात्रा में वैक्सीन प्राप्त हो रही है, इसलिए भीड़ ज़्यादा लग रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। वैक्सीनेशन का पहला डोज 379 लोगों को और दूसरा डोज 18 लोगों को, कुल मिलाकर के 387 लोगों को वैक्सीन लगाया गया। भीड़ इतनी ज़बरदस्त थी, 10-5 लोगों को छोड़कर किसी ने मास्क नहीं पहना था। जैसा कि शासन की गाइडलाइन है कि लोग सामाजिक दूरी बनाए, लेकिन दूरी बने तो बने कैसे। लोगों का कहना था कि गांव-गांव में कैंप लगवाकर वैक्सीन लगाया जाए तो शायद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर पर इतनी लंबी भीड़ ना देखी जाए। आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नगर विधायक माननीय रत्नाकर मिश्रा जी ने गोद लिया है, फिर भी उस अस्पताल की यह दशा। लोगों का मानना है कि विधायक जी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएं। वैक्सीन लगाने का कार्य सपना सिंह, अंजू गौतम, ममता आदि स्टाफ लगे रहे। सदयात्रा न्यूज से अशोक शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। आज आप सब सरोज अस्पताल में आए वैक्सीन लगवाने, तो क्या समस्या हो रही है? अरे बहुत समस्या है, यहाँ पे लगा नहीं रहे लेडीज का, लाइन लगा है, ऑनलाइन भी करा रहे हैं लेकिन करा नहीं, कुछ कर नहीं रहे हैं। हम सुबह 6 बजे से आए हैं। 6 बजे से आए? हाँ, मेरे 2-2 बच्चे हैं, भूखे हैं, घर पे हम छोड़ के आए। 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगा लेकिन नंबर नहीं आ रहा है यहाँ पे। कितने घंटे लाइन में थे? अरे अभी तक तो लाइन में थे, तभी लाइन बिगाड़ दिए। नहीं, ये कहे मेडिसिन खत्म हो गया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या कर रहे हैं यहाँ कर्मचारी? कह रहे कि मेडिसिन खत्म हो गया, फिर भी कह रहे जिसका ऑनलाइन हुआ है उसको करवाइए। लेकिन जब हम लोग सुबह 6 बजे से, तुम लोग का कराना चाहिए ना। और वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे कह रहे जाइए डायरेक्ट सुई लगवाइए। क्या चाहते हैं? हम सुई लगवाना चाहते हैं, हम घर पे बिना लगवाए नहीं जाएंगे। अगर यहाँ की व्यवस्था खराब है हम लोग नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे तब क्या करना चाहते हैं? तो सुई हम लोग नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे। फिर कोई अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी, हम लोग को कोई वो आरोप नहीं लगाएगा कि सुई नहीं लगाए तो बैंक में बैलेंस नहीं मिलेगा, अदर और कोई काम नहीं होगा। आज पहली बार आई है या कभी आई है? 2-3 बार आ चुके हैं। आपको वैक्सीन नहीं लगा? नहीं लगा। आपका परिचय? लक्की साव। कहाँ से आई है? कुशहा से। आप भी वैक्सीन लगवाने आई है? जी हाँ। आपको लग गया? नहीं, अभी नहीं लगा है। अब ऑनलाइन नहीं हुआ है। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ के डॉक्टर? बोल रहे हैं ऑनलाइन जिसका होगा उसका लगेगा, जब ऑनलाइन कराएंगे तब ना होगा। पहले ऑनलाइन का वो नहीं था, अब ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं। इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, जब सुबह ही कहे थे तुम लोग ऑनलाइन कर, पहले ऑनलाइन का नियम नहीं था। कोरोना भी नहीं है। मेरा नाम पिंकी दुबे, मोहरी। हाँ, हम भी आए हैं यहाँ। नहीं लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा सर? यहाँ पर बहुत भीड़ भी है और कह रहे हैं कि खत्म हो गया वैक्सीन, अब नहीं लगेगा। तो अब भर जा रही है क्या? अब क्या करें हम लोग, समस्या इतने दूर से हम लोग आ रहे हैं बच्चे को छोड़ के, अब लग भी नहीं रहा है। अब कह रहे हैं चुप रहे हैं, चुप गया। ये मेरी सासू माँ है, कुशहा से आई हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, लेकिन अब हम जाने की कोशिश करें क्योंकि बहुत रो रहे हैं। फोन पे फोन आ रहा है मेरे घर से। और वैक्सीन नहीं लगा? वैक्सीन नहीं लगा। सुबह 6 बजे से बच्चे को छोड़ के आएगा, अच्छा छोटा सा, अभी साल भर का भी नहीं हुआ है बच्चा मेरा। जी नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा 96 सत्यात्रा न्यूज से। मैं आज यहाँ पे CSC अस्पताल सरोही में आया हूँ। यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है। जहाँ सरकार चाहती है कि लोग आपस में दूरी बनाए और वैक्सीनेशन भी करवाएं, तो वैक्सीनेशन कैसे हो? आप यहाँ कैमरे में देख सकते हैं कि यहाँ पे आज कितनी भीड़ है। लोग यहाँ सुबह 8 बजे से बिना खाए पिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ करके आए हैं, जिन्हें भी वैक्सीनेशन नहीं। यहाँ पे 70 साल से 75-80 साल तक की माताएं आई हैं, उन्हें भी वैक्सीन नहीं लगवाया जा रहा है। और लोगों का ये कहना है कि जो ये वैक्सीन यहाँ पे लगवाया जा रहा है तो हर गांव में
अगर कैंप लगवा करके वैक्सीन लगवाया जाए तो शायद इतनी भीड़ ना हो और कोविड का पालन भी हो। यहाँ पे आए हुए सभी लोग काफ़ी परेशान हैं, धूप से गर्मी से परेशान, न तो यहाँ पे पंखे की व्यवस्था है न तो कुछ भी व्यवस्था है, पब्लिक काफ़ी परेशान है। आप जो है देख सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे पर्चियाँ जमा हो रही वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। सुबह यहाँ पे लाइन लगवाई गई थी, वो लाइन भी बिगड़ गई, कभी किसी ने कह दिया कि वैक्सीन ख़त्म हो गया, लोग यहाँ से घर जा रहे हैं, 3-4 बार हो गया, काफ़ी लोग काफ़ी परेशान है। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि ये वैक्सीनेशन का कार्य हर गांव में कैंप लगवा कर करे, अगर यहाँ पे ये वैक्सीनेशन का कार्य होगा तो भीड़ ऐसे ही बढ़ेगी और कोविड का पालन कतई नहीं होगा। मैं आशुतोष शर्मा, सत्य यात्रा न्यूज 96, धन्यवाद। Yeah, yeah, yeah.